ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मित्रों को बहुत नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर पर हमारी क्लासेस चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है डिटेल में हमने समझा था, है ना। इनपुट युक्तियाँ क्या होती हैं, आउटपुट युक्तियाँ क्या होती हैं। इनपुट जब हम डाटा इनपुट करवाते हैं तो उसमें किस तरह से कोडिंग होती है, किस तरह से डिकोडिंग होती है, कौन सा कोड वहां पास यूज किया जाता है। मैंने बताया था आपको, जब हम डाटा इनपुट करवाते हैं तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है, डाटा और निर्देश को इनपुट करवाते हैं। और वो कौन देता है, वो इनपुट करवाता है यूजर। और यूजर की भाषा तो आपका जो कंप्यूटर है वो समझ नहीं सकता, कंप्यूटर समझता है मशीन भाषा। तो वहां पास इनपुट डिवाइस में हम एक कोडिंग यूज कर रहे थे, ASCII कोडिंग, है ना। ASCII कोडिंग क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमने ये देखा था। तो उस प्रकार से क्या कर रहे थे हम, जो ह्यूमन लैंग्वेज थी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे रहे थे। और जो आपका आउटपुट डिवाइस था वो कैसा है, जो कंप्यूटर का प्रोसेस्ड डाटा होता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट अर्थात क्या, इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है वो मशीन भाषा में होती है, वो ह्यूमन के समझने लायक नहीं होती है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, फिर उस मशीन लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में यूजर समझ सकता है अर्थात मानवीय भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा था। तो आज है इसके बाद में हमने क्या देखा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो इनपुट डिवाइस के उदाहरण देखे थे हमने, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देखे थे, और इनपुट और ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं उनका भी हमने सारे डिवाइसेस का क्या एग्जाम्पल देखा था और उस पर हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मैंने आपको कराया था कि जितने भी हमारे ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। और ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम से अर्थात मदरबोर्ड से जिसके माध्यम से जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं क्या, आपका पोर्ट। फिर मैंने बेसिकली कल आपको चार पांच तरह के पोर्ट बताए थे, तो वहां तक ये जो हमारी था ये हमारा लास्ट क्लास का कंटेंट था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ स्टार्ट करें अभी इनपुट, आज क्या है हम ब्रीफ में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको लास्ट क्लास का कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें को मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों मेरे साथ में आप भी रिवाइज करिएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पोर्ट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो मदरबोर्ड से किन किन पोर्ट से जुड़ते हैं। तो मैंने आपको वहां कल क्या बताया था, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कल वहां पर सबसे पहला क्या, PS, इसको हम क्या कहते हैं, PS2 पोर्ट। बताइए PS2 पोर्ट से क्या क्या जुड़ता है, तो आप बताएंगे सर कीबोर्ड और क्या जुड़ता है, आपका माउस। फिर हमने इसके बाद में देखा था क्या, दूसरा नंबर पे हमने देखा था सीरियल पोर्ट देखा था। बताइए सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ता है, बताइए आप सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ता है, सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ेगा, बताओ जल्दी बताओ भाई, सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ता है। तो मैंने आपको बताया था सीरियल पोर्ट से जुड़ता है हमारा एक डिवाइस, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है क्या, आपका पैरेलल पोर्ट। बताइए मेरे को पैरेलल पोर्ट से क्या जुड़ता था आपका, तो आप बताएंगे सर प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास में क्या बचा, देखो PS2 पोर्ट हो गया, सीरियल हो गया, पैरेलल हो गया। इसके बाद में हमारे पास में एक चौथे नंबर का और पोर्ट था, मैंने आपको बताया था क्या, इसको हम बोलते थे HDMI या इसको हम क्या कहते थे दूसरे नाम पे, VGA पोर्ट। ये किस लिए था, जितने भी आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले डिवाइस होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले डिवाइस होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, HDMI या VGA पोर्ट से जुड़ते हैं। और पांचवें नंबर पे मैंने आपको एक और बताया था, जो आपका PS2 पोर्ट सीरियल और पैरेलल पोर्ट का एक रिप्लेसमेंट था, जो आपके पांचवें नंबर का पोर्ट मैंने आपको बताया था, जो आपका सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट और आपका जो पैरेलल पोर्ट है इसका रिप्लेसमेंट था, वो क्या था, आपका USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस USB पोर्ट। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें कीबोर्ड भी जोड़ सकते हैं, इसमें आप माउस भी जोड़ सकते हैं, प्रिंटर भी इसमें आप लगा सकते हैं, इसमें आप प्रिंटर भी लगा सकते हैं। और सर्वाधिक यूज क्या करते हैं, हमने देखा होगा ना, जितनी भी हमारी हार्ड ड्राइव्स होती है, हार्ड डिस्क होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्टोरेज होता है, ये होता है क्या, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव हो गया। इसके बाद में जैसे आप पावर बैंक होता है, आपने देखा होगा पावर बैंक। तो जितने भी क्या है आपके अदर इनपुट या आउटपुट डिवाइस होते हैं,
पावर बैंक, तो वो किसके माध्यम से जुड़े आते हैं, आपके यूएसबी पोर्ट से। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। देखो क्या था, कंप्यूटर में हमको जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होते गया उसके साथ साथ क्या होते गया कि धीरे धीरे कंपोनेंट कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है वो उनका डेवलपमेंट होता गया। हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट, आपका जो इक्विपमेंट है वो आ रहा था। अभी समझिएगा कि जैसे पीएस पोर्ट था, कंप्यूटर जब बना तो पीएस पोर्ट था, तो कीबोर्ड और माउस के लिए बनाया था हमने। उसके बाद में सीरियल पोर्ट बनाया मॉडेम के लिए, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट बनाया, और एचडीएमआई और वीजीए पोर्ट हमने डिस्प्ले डिवाइस के लिए बनाया। अब इसके बाद में क्या आ गया, पेन ड्राइव आ गया, है ना। तो हर 2-3 साल में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो यदि ऐसे में हम कंप्यूटर में अलग अलग पोर्ट, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट देते गए, तो कंप्यूटर हमारा जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड ना रह के क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़े छेदों का समूह हो जाएगा, छेदी सिंह बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई उसका कुछ समाधान निकाला, है ना। तो बार बार हमको हर अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट ना देना पड़े, तो हमने क्या कर दिया, एक पोर्ट बना दिया, उसको हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। अब क्या है कि जो भी नए नए डिवाइस आ रहे हैं ना, वो सीधे आके आप इसमें जोड़ सकते हैं, आपको कोई अब मदरबोर्ड में नया पोर्ट उसके लिए नहीं देना पड़ेगा। तो हमने इस तरह के 5 प्रकार के पोर्ट देखे थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना आपके, है ना, तो उनको याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछता है, बेसिकली इन पे क्वेश्चंस पूछता है, मैंने आपको बताया। आप बता तो दिया, अभी आपको समझ में भी आ गया, पर एग्जाम में याद कैसे आएगा या बाद तक हमको लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। देखिए लिखिए सोमवार, ध्यान दीजिएगा, सोमवार को पापा 2 किलोमीटर चलते हैं। क्या बताया मैंने आपको ट्रिक, सोमवार को पापा 2 किलोमीटर चलते हैं। समझिएगा यहां से, देखो सोमवार की शुरुआत किससे हो रही है, एस से हो रही है, सोमवार को। और आप और क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलते हो सोमवार को, हम मंडे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सोमवार को, मंडे बोलते हैं। सोमवार की शुरुआत किससे हो रही है, एस से हो रही है, सोमवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंडे। इसके बाद में पापा अर्थात क्या, पी। इसके बाद में क्या है, 2 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या करोगे आप, ये 2 से क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है PS2। 2 से क्या, इस 2 से क्या रखोगे PS2, ये आपका PS2 हो गया। K से क्या हो जाएगा आपका कीबोर्ड, और M से क्या हो जाएगा आपका माउस, ठीक है। तो देखो सोमवार से क्या, एस, सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंडे। तो एस फॉर क्या हो जाएगा आपका, यहां से एस फॉर हो जाएगा सीरियल, क्या हो जाएगा, एस फॉर सीरियल, और MD से क्या हो जाएगा, मॉडेम, MD से क्या हो जाएगा आपका, मॉडेम। ये पकड़ में आया, तो सोमवार से एस, सोमवार को इंग्लिश में मंडे बोलते हैं, MD से क्या हो जाएगा, मॉडेम, तो सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ेगा, मॉडेम। पापा से क्या होगा, पीपी, पी पहला पी क्या होगा, पैरेलल पोर्ट, पहला पी क्या हो जाएगा, पैरेलल, पहला पी हो गया आपका पैरेलल, और दूसरे पी से क्या हो जाएगा आपका प्रिंटर, दूसरे पी से क्या हो गया, प्रिंटर। 2 किलोमीटर से क्या होगा, 2 को आपको पकड़ना है, PS2 पोर्ट, K फॉर कीबोर्ड, M फॉर माउस, हो गया आपको याद यहां तक। तो देखो सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, PS2 पोर्ट हो गया। USB को बताने की जरूरत नहीं है, USB में क्या आप किसी को भी जोड़ सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, पकड़ना क्या है आपको केवल इसका नाम, फुल फॉर्म तो क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आप देखो यू से आपको बस पकड़ लेना, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, मतलब कुछ भी इसमें जोड़ दो यूनिवर्सल, ठीक है। इसके बाद में एक पोर्ट बचता है, वो है क्या आपका HDMI, क्या बचता है आपका HDMI। अब आप बताओ आप लोग अपने मोबाइल में कौन सा वीडियो, किस क्वालिटी में वीडियो देखना पसंद करते हो, तो सर आपका हो गया HD वीडियो, हाई डेफिनेशन, क्या बोलते हो, हाई डेफिनेशन। तो मोबाइल में कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हो, हाई डेफिनेशन। और वीडियो को हम क्या बोलते हैं, सपोज जैसे आपका ये मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, इसमें आप HD वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले, जब मोबाइल गिरता है तो क्या बोलते हैं, डिस्प्ले टूट गया ना। तो याद रखना कि मोबाइल में हाई डेफिनेशन का वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखते हैं किसमें देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों HDMI पोर्ट या आपका VGA, VGA का क्या होता है, वीडियो ग्राफिक अरे, VGA पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक अरे, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, डिस्प्ले डिवाइस के लिए। तो ये दो तो आपको सिर्फ नाम से याद हो रहा है केवल, USB को तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ उसका फुल फॉर्म पकड़ना, HDMI से क्या, HD से क्या, HD क्वालिटी का वीडियो, और V से क्या वीडियो, तो क्या डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए। सोमवार को पापा 2 किलोमीटर चलते हैं, S फॉर सोम, S से क्या हो जाएगा, सोम से, ये जो आपका शुरू का सोमवार है तो ये क्या S हो जाएगा, और सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंडे, तो ये क्या हो गया सीरियल, और मंडे से क्या हो गया मॉडेम, पापा से क्या हो गया पैरेलल से प्रिंटर, 2 से क्या PS2, K फॉर कीबोर्ड, M फॉर माउस। तो इस प्रकार से आप कौन से पोर्ट में कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस होता है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, इसीलिए मैंने दोबारा आपको ये रिकॉल करवाया, ताकि एग्जाम में कभी इससे क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, आप एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आंसर एग्जाम में कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों, यहां तक था हमारा लास्ट क्लास में, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा, है ना, किसी प्रकार की गड़बड़ी मत करिएगा नोट्स बनाने में। चलिए अभी मैं आगे लेके चलता हूं आपको अपनी क्लास में। देखिए, इनपुट डिवाइस के बारे में हम कल हमने ब्रीफ में देखा था, बिल्कुल शॉर्ट में देखा था कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करिए। देखिए क्या होता है, आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, टच पैड होता है, माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, और लाइट पेन है, स्टाइलस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, बायोमेट्रिक डिवाइस डिजिटाइजर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, डिजिटाइजर का दूसरा नाम भी क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है। इसके बाद में BCR है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। इसके बाद में आता है आपका QR कोड, QR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। इसके बाद में एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, और हमने क्या देखा है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। समझते हैं आप इसको, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम कीबोर्ड से। अब इनपुट डिवाइस में समझिएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस में जो इतने सारे जो आप डिवाइस देख रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनता है वो इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारे डिवाइस के डिटेल में पढ़ने चले गए तो हमको इनपुट डिवाइस भी पढ़ने में 2-3 दिन लग जाना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें से डिवाइस है, तो सबसे पहला तो आपका है कीबोर्ड, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और यदि एग्जामिनर आपको इनपुट डिवाइस से कठिन क्वेश्चन देना चाहेगा, तो वो आपको क्वेश्चन देगा कीबोर्ड से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है आपका, दूसरे नंबर पे आप पढ़ोगे माउस, दूसरे नंबर पे जो इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनता है वो माउस से बनता है। इसके बाद इनकी तो बस केवल आप डेफिनेशन समझेंगे, उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है तीसरे नंबर पे, ये इनसे क्वेश्चन बनता है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका MICR। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिकली जो हमारा क्लास का फोकस होगा आज का, वो कीबोर्ड पर होगा, दूसरा माउस पर होगा, और उसके बाद में हम ये जो आपके MICR BCR है ना, ये सब उनको हम देखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं, आइए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कीबोर्ड। तो देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना कि सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो आपका इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है, बताइए, वो होता है आपका कीबोर्ड। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, कीबोर्ड। इसके बाद में पूछ ले कि किसने कीबोर्ड को डेवलप किया था, है ना, किसने इसका आविष्कार किया था। दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और पूछा भी जा सकता है, क्रिस्टोफर लाथम। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर लाथम ने किया था। चलिए इतना नोट करिए। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर अपन किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लाथम ने। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा, स्टैंडर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्या स्टैंडर्ड यानी कि क्या मानक, ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड अर्थात क्या मानक। क्या यहां से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है, स्टैंडर्ड अर्थात मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, जो स्टैंडर्ड इनपुट, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है, कीबोर्ड।
और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है आपका मॉनिटर। इस तरह से नए नए क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से ना आपको देखने को मिल जाए परीक्षा में, कि अचानक से आप कहो कि सर सब कुछ पढ़ा और ये तो नहीं पढ़ा था, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से या किसी भी टॉपिक से, मैं आप लोगों को क्लास में कवर करवाऊंगा। इसकी आप लोगों को चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जी, अभी हम कहां थे? आपके कीबोर्ड पे। तो हमने क्या देखा कि कीबोर्ड क्या है? सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला आपका इनपुट डिवाइस है, पहली बात। क्रिस्टोफर जो लाथम है वो क्या है? वो कीबोर्ड के डेवलपर है। ये दो चीज हमने यहां से पकड़ ली। इसके बाद में समझिएगा, जनरली हम क्या करते हैं, देखिएगा जो कीबोर्ड देखते हैं इस तरीके से हमने कीबोर्ड देखा है। ठीक है, अभी समझिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, बोलता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई क्वार्टी, क्या क्वार्टी, ये क्या पूछता है कि क्वार्टी क्या है कीबोर्ड का। तो जनरली क्या रहता है कि वो क्वार्टी क्या है, तो हम क्या बोलते हैं कि क्वार्टी एक कीबोर्ड का उदाहरण है। क्या बोलते हैं? क्वार्टी एक कीबोर्ड का उदाहरण है। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी आपको ऐसा मिल जाता है तो आपको टिक कर देना कि क्वार्टी क्या है, कीबोर्ड का उदाहरण है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वार्टी है ना, ये कीबोर्ड का उदाहरण नहीं है, ये कीबोर्ड का लेआउट है। क्या है ये? कीबोर्ड का लेआउट का एग्जाम्पल है। कि क्वार्टी अपने आप में किसी कीबोर्ड का नाम नहीं है, क्वार्टी कीबोर्ड का एक लेआउट, मतलब क्या, उसका एक ढांचा स्ट्रक्चर है। तो जो क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं ना, वो क्वार्टी कीबोर्ड कीबोर्ड का नाम नहीं होता है, वो उसके ढांचे का नाम होता है। पहली बात आपके समझाने के लिए, एग्जाम में पूछ लेता है और कई बार एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन निकाल ही लेता है ना, तो घबराना नहीं है। वहां पास यदि आपके ऑप्शन में रहेगा क्वार्टी क्या है और ऑप्शन में कीबोर्ड दिया हुआ है, कहीं भी लेआउट नहीं है, तो आपको कीबोर्ड ही मानना है। लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि जो क्वार्टी आप सुनते हैं वो कीबोर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, वो कीबोर्ड के लेआउट का नाम है, पहली चीज। दूसरी बात कि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा कि कीबोर्ड में स्टैंडर्ड रूप से, आपके कीबोर्ड में स्टैंडर्ड, यदि हम बात कर ले स्टैंडर्ड रूप से जो कुल की अर्थात कुंजियां, की को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी, जो आपकी कुल की जो होती है वो कितनी है। तो देखिएगा कि तरह तरह के अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड कुंजी होती है ना वो 101 से, कई कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 101 कुंजियां होती हैं, 101 से लेके 108, कई कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 108 की हुई होती है। तो 101 से लेके 108 की तक के जो हमको कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। तो जो आपका क्वार्टी कीबोर्ड है ना, जो आपका क्वार्टी कीबोर्ड का लेआउट है, इसमें कितनी की होती है? तो इसमें होती है 104। ध्यान रखिएगा कितना, 104, कितना, 104। जो हम क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट पढ़ते हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, क्वार्टी कीबोर्ड होता है। उसमें कितनी कुंजी होती है? 104 कुंजी होती है। स्टैंडर्ड कितनी होती है? 101 से लेके 108 तक होती है। और यदि आपसे यही पूछ ले एग्जाम में कि कीबोर्ड का स्टैंडर्ड की, मतलब किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है, यदि आपको ऑप्शन में दिए हुए विकल्प में 104 नहीं दिया है, तो आपको 101 को टिक मार करके आना है, क्योंकि 104 जो होता है ना वो क्वार्टरी कीबोर्ड का कुंजियों की संख्या होती है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जितने भी टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं ना, उनमें जो कुंजियों की, उनमें जो की संख्या होती है 101 से लेके 108 तक होती है। कुछ कीबोर्ड होते हैं जिनमें 102, 103, 104 हो सकती है। जनरली जो हम यूज करते हैं कीबोर्ड, उसको हम बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। उस क्वार्टी कीबोर्ड में जो कुंजियों की, जो की संख्या होती है वो 104 होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या देख लिया हमने यहां तक, इसको समझ लिया। अब आइए इसके बाद में समझते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है एक्चुअल में। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं हम, क्या है ये, एक की क्या है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला बात तो ये हो गया कि इनपुट डिवाइस है, और इससे क्या करते हैं हम, इससे जो हम इनपुट करवाते हैं वो कैसा इनपुट होता है, वो आपका टेस्ट के रूप में होता है। जो हम इनपुट करवाते हैं कीबोर्ड के माध्यम से वो कैसा होता है, वो टेस्ट के फॉर्म में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जो आपका कीबोर्ड है वो क्या है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, वो टेस्ट के फॉर्म में करता है। और किस तरह से कर सकता है, टेस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, तो देखो उसमें आप नंबर्स कर सकते हो 0 से लेके 9 तक,
उसमें आप अल्फाबेट कर सकते हो ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक के क्या अल्फाबेट्स को हम इंटर करवा सकते हैं। और कुछ हमारे पास में और क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हैश देखा होगा, एट द रेट देखा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम कीबोर्ड से टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिक्स भी होते हैं, अंक भी होते हैं जीरो से लेके नौ तक, अल्फाबेट्स भी होते हैं आपके ए से लेके जेड तक, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हैश, एट द रेट, डॉलर का साइन आपने देखा होगा इस तरीके से, डॉलर का आपने साइन देखा होगा। तो ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है हमारा क्या कीबोर्ड, जो कि टेस्ट के रूप में क्या करवाता है, इनपुट करवाता है। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्वार्टरी कीबोर्ड की, तो इसका नाम क्वार्टरी क्यों पड़ा, तो देखिएगा आप कभी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका अल्फाबेटिक की होती है तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले नंबर सबसे ऊपर पे आपने जो देखा होगा जो अल्फाबेट्स रहते हैं, तो वहां आपने देखा होगा शुरुआत कहां से होती है, क्यू से होती है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। तो जो सबसे ऊपर का जो आपका रो होता है वो क्या होता है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। तो इसलिए सबसे पहला जो उसका जो रो होता है, इसलिए इसको हमने नाम क्या रख दिया, आपका क्वार्टरी कीबोर्ड रख दिया। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आपके कीबोर्ड की प्राथमिक कुंजी, एग्जाम में ये शब्द को और ये पूछ चुका है, तो दोस्तों शब्द को ध्यान में रखना कि किसी कीबोर्ड के प्राथमिक कुंजी क्या, प्राथमिक कीबोर्ड में प्राथमिक कुंजी, प्राथमिक कुंजी अर्थात क्या आपका की, तो प्राथमिक कुंजी क्या क्या होती है, तो याद रखना इसको हम क्या कहेंगे, जब कभी आप लोगों ने कभी टाइपिंग सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप ये टाइपिंग स्टार्ट करते हो कहां से करते हो, एएसडीएफ, किससे करते हो, एएसडीएफ से। यदि आप लोगों ने टाइपिंग सीखी होगी या जो टाइपिंग करते हैं, देखना जो उनकी उंगली की जो उनके हाथ रखने की सेटिंग होती है ना, वो कहां रखाता है, एएसडीएफ पे रखाता है आपका जो लेफ्ट हैंड, याद रखना। इसलिए कंप्यूटर कीबोर्ड की जो प्राथमिक कुंजी है ना, वो किसको कहते हैं, एएसडीएफजीएच, क्या आपका एएसडीएफजीएच। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कंप्यूटर की जो प्राथमिक कीबोर्ड की जो प्राथमिक कुंजी होती है वो क्या होती है, एएसडीएफजीएच होती है। ठीक है, तो हमने यहां से देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट आपको दे रहा हूं, तो उनको लाइन बाय लाइन आप नोट्स बना के चलना। ठीक है, इसी प्रकार कंफ्यूजन मत करना अपने नोट्स बनाने में। तो देखो क्वार्टरी कीबोर्ड क्यों नाम देते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसका सबसे पहला रो क्या होता है आपका, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई होता है। इसके बाद में फिर क्या देखते हो दोस्तों, आप लोग सेकंड नंबर पे क्या देखते हो, हमको क्या दिखाई देता है, ए एस डी एफ जी एच, इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। तो ये जो रो होती है ना, इसको हम कंप्यूटर की प्राथमिक कीबोर्ड की प्राथमिक कुंजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से हम टाइपिंग का जो सेटिंग होती है, जो टाइपिंग का बाय डिफॉल्ट जो हमारा हाथ रखाता है वो इसी में रखाता है, ए एस डी एफ जी एच में हमारा हाथ रखाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्राथमिक कुंजी क्या है, तो आप बताएंगे ए एस डी एफ जी एच। इसके बाद में क्वार्टरी कीबोर्ड में कितनी की होती है, तो आप बताएंगे 104 होती है। ठीक है, ये जो कीबोर्ड है क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट करता है, टेस्ट के रूप में इनपुट करता है, जीरो से लेकर नौ तक के अंक को इनपुट करता है, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स को इनपुट करता है। इतने को नोट करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हो गया, चलिए जी। इसके बाद में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं और बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है जी, अब देखो हमने कई बार देखा होगा, जैसे ये हमारा क्या यहां पास में, फॉर एग्जांपल ये आपकी की है ना, ये क्या हो गया आपका ए एस डी एफ जी एच। ठीक है, तो समझिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी एक की पर हाथ रखे हुए हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ देर बाद में जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं और कुछ देर बाद में यदि मान लो सपोज कि आपने ए पर आपने उंगली को लगातार दबा के रखे हुए हो, तो कुछ देर बाद में क्या होता है, लगातार ए ए ए ए इस टाइप से क्या हो जाता है, छप जाता है ए ए। तो इसको क्या बोलते हैं, समझिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कंप्यूटर में टाइपमेटिक क्या होता है, कंप्यूटर में टाइपमेटिक क्या होता है, तो पकड़िएगा, कंप्यूटर में टाइपमेटिक एक शब्द आता है क्या आपका, टाइपमेटिक। ये टाइपमेटिक क्या होता है, ये यही होता है कि किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में किसी भी कुंजी को, कंप्यूटर की कीबोर्ड में किसी भी कुंजी को आप
0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड मिनिमम यहां, यदि 0.5 सेकेंड तक यदि आपने किसी कुंजी को कीबोर्ड की किसी की को दबा के रखा है तो ठीक है, यदि आपने जैसे ही 0.5 से आगे समय के लिए आप दबाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आगे वही अक्षर बढ़ने लगेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइपमेटिक मिस्टेक बोलते हैं। मतलब कोई भी कीबोर्ड जो की है, यदि आपने उसको 0.5 सेकंड से ऊपर की दबा दिया तो फिर क्या होगा, जो आप जिस की पे आप हाथ रखे हो तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर से बार बार उसका क्या रिपीटेशन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं टाइपमेटिक मिस्टेक। तो टाइपमेटिक का मतलब क्या हो गया कि किसी भी की पर 0.5 सेकंड से अधिक तक के लिए यदि आप समय को हाथ को रखते हो, उंगली को रखते हो, तो वो क्या होगा, आपका उस अंक का या उस लेटर का क्या होगा, पुनरावृत्ति हो जाती है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि टाइपमेटिक की दर क्या होती है, टाइपमेटिक की दर क्या होती है, तो आप बताएंगे क्या 10, क्या होती है टाइपमेटिक की दर, क्या होती है 10 बार प्रति सेकंड। टाइपमेटिक दर क्या होती है, 10 बार प्रति सेकंड, 10 टाइम्स पर सेकंड, प्रति सेकंड टाइपमेटिक की दर। यदि आपसे पूछ ले कि टाइपमेटिक का रेट क्या होता है, टाइपमेटिक का रेट अर्थात क्या दर, तो इसको याद रखिएगा, टाइपमेटिक का रेट होता है 10 टाइम्स पर सेकंड, इसको आप याद रख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डिटेल और बताया टाइपमेटिक। कितने भी यदि अधिक एग्जामिनर अपने उस पे फॉर्म में आ जाए कि भैया आज तो मेरे को कंप्यूटर में इनको धो के रखना है, डीप से डीप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी वो निकालने की कोशिश करेगा ना, तो भी हम वहां अपना क्वेश्चन बना करके आएंगे, इतने डीप लेवल पे हम पढ़ रहे हैं क्लास में अपने, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, टाइपमेटिक हो गया। चलिए इसके बाद में आप देखते हैं हम कंप्यूटर की जो हमारी की होती है, कितने प्रकार की क्या की होती है, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उनको पढ़ते हैं। कंप्यूटर दोस्तों हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि एक बार जो पढ़ रहे हैं, अब आपको दोबारा अपनी लाइफ में दोबारा कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए तो अब कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्या हमारा ये कंप्यूटर का कीबोर्ड। देखिए ये क्या है, आपका एक क्वार्टरी कीबोर्ड का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहां पर समझिएगा, देखिए इसके जो आपका जो अल्फाबेटिक है ना, इसका सबसे पहला रो क्या है, अल्फाबेट का सबसे पहला रो है, ठीक है, क्या QWERTY। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको क्वार्टरी कीबोर्ड बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि क्वार्टरी कीबोर्ड में जो प्राथमिक कुंजी क्या होती, तो आप क्या बताओगे, ASDF। क्यों, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो सबसे पहले कहां रखाता है, ASDF पे रखाता है। दूसरी बात चलिए अब बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनकी जितनी भी की है ना, सबसे पहले इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा, ये जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 जो ये दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। एक दोस्त है बार बार कमेंट करता है कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। भाई मेरे और कैसे हिंदी में पढ़ाऊं, और कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा है यदि मैं शुद्ध हिंदी में चला गया तो आपको कंप्यूटर समझ में ही नहीं आएगा। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को आपको हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये लोग मेरे को बताइए, क्या मैं इतना इंग्लिश में पढ़ाता हूँ क्या? कुछ टर्म दोस्तों ऐसे होते हैं ना, यदि मैं आपको उसको हिंदी इंग्लिश में लिखते बैठ गया तो एक एक चैप्टर हमारा घंटे घंटे ले लेगा, ठीक है। तो आपकी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, जहां पास जैसे लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है मैं उस लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर की होती है कितनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। ये इनकी संख्या कितनी होती है आपसे पूछ ले तो ये 0 से 9 के बीच में होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कीबोर्ड में न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। कैसे, 0 से लेके 9, 1 से लेके 9 तक कितना हो गया, 9 हो गया, और 0 को काउंट करोगे तो कितना हो गया, 10। तो न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है, 10, पहली चीज। दूसरा आते हैं क्या, फंक्शन की। दूसरा क्या होता है, फंक्शन की। तो देखिएगा सबसे ऊपर रहता है फंक्शन, ये कहां से कहां तक रहता है, F1 से लेके F12 तक रहता है। यदि आपसे पूछ ले कि फंक्शन की कितनी होती है, फंक्शन की, तो क्या बताओगे आप, देखो फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेके कितनी होती है, F12 तक होती है, F12 तक कितनी होती है, अर्थात 12 होती है। फंक्शन की कितनी होती है, 12 की होती है। इसके बाद में मैं आप लोगों को आगे F1 से लेके F12 तक के क्या क्या यूज होते हैं, उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट की होती है, मैं उनके बारे में ही बताऊंगा। अभी समझिए केवल हम इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर इसके बाद में आइए आपका, देखो यहां पास न्यूमेरिक की है। अब आप कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड में देखे होगा कि एक बार तो आपने यहां 1 से लेकर 9 तक के अंक देख लिए, दोबारा क्या होता है, फिर यहां पास आता है आपका, फिर यहां पास अंक देखने को मिल रहे हैं।
तो ये जो आपका पोर्शन आपको दिखाई देता है ना, ये इतना जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक की पैड। बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरे कीबोर्ड में सबसे कंफ्यूजन यही बस होता है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये न्यूमेरिक की होती है, लेकिन ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, आपके कीबोर्ड का सबसे दाहिना पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की पैड। पैड पकड़िएगा, पैड। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि न्यूमेरिक की पैड में कितनी की होती है, तो आप क्या टिक करके आओगे, धोखे से वहां पर 10 टिक करके मत करना। जो आपका न्यूमेरिक की पैड होता है, यहाँ पास कुल 17 की होती है। कितनी? 70 की होती है। देखो 0 से लेकर 9 तक तो आपके अंक कितने, 10 हो गए। इसके बाद में क्या होता है, एक आपका डिवाइड का होता है, एक मल्टीप्लीकेशन का होता है, माइनस का होता है, प्लस का होता है। तो ये कितने हो गए, 10 और ये 4, तो ये हो गए। इसके बाद में आपको और क्या देखने को मिलता है, डिलीट देखने को मिलता है, इंटर देखने को मिलता है, और एक मिलता है आपको नम लॉक। तो यदि आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के की पैड में, न्यूमेरिक की पैड में कितनी की होती है, तो वहां आपको 17 टिक करके आना है, 10 टिक कर, 10 मत टिक करना। यदि की पैड, पैड शब्द को यूज कर दिया, तो 17 टिक करके आना भाई, ठीक है। यही पास घुमाएगा आपको क्वेश्चन में। तो 0 से लेके 9 तक कितना, 10 तो न्यूमेरिक की हो गया, 11वां नंबर का डिलीट हो गया, 12वें नंबर का इंटर हो गया, 12 हो गए, 13 नंबर का क्या हो गया आपका, नम लॉक, 13 हो गए। इसके बाद में माइनस के लिए, प्लस के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, 13, 4, 17। तो न्यूमेरिक की पैड में कितनी होती है, 17 की होती है। अब आप पूछोगे सर कंप्यूटर में एक बार यहां न्यूमेरिक दिया है, दूसरी बार यहां न्यूमेरिक दिया, क्यों दिया है, समझिएगा। न्यूमेरिक की पैड में जो नंबर्स होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी टाइप करने के लिए, जो आप जब टाइपिंग का काम करते हो, तो सहूलियत के लिए, मतलब जो आप जो नंबर्स इंटर कर रहे हो उनको जल्दी जल्दी इनपुट कराया जा सके, इसलिए यहाँ पास ये अलग से इस पोर्शन को दिया जाता है। और दूसरा काम क्या होता है, यहाँ एक बटन है, इसको हम बोलते हैं नम लॉक, नम लॉक कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे, इसीलिए कह रहा हूँ कि साथ में नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज को लिख के नहीं दूंगा, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नोट्स बनाते चलना और लिखते चलना। जो इस न्यूमेरिक की पैड में एक ऊपर बटन होती है, आपने यहाँ देखा होगा, इसको हम कहते हैं नम लॉक। नम लॉक में क्या करते हैं, जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे ना, जब आप नम लॉक को एक्टिवेट कर दोगे तो क्या होगा, आपके नंबर चलेंगे। जब आप नम लॉक को ऑफ कर दोगे, तो आप देखना कि आपके कीबोर्ड में यहां आपको ना 8 में 6 में 2 में और 1 में इस प्रकार से आपको एरो दिखाई देंगे, इस प्रकार से आपको एरो दिखाई देंगे। जब आप नम लॉक की को ऑफ कर दोगे, तो क्या होगा, ये जो 4 नंबर से 2, 8, 6, 4, ये क्या होते हैं, एज ए एरो यूज होते हैं। मतलब कर्सर को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जो आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हो, तो उसमें मूवमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, आपका न्यूमेरिक कीपैड हो गया। इसके बाद में आते हैं, एक हमारे पास में एक की आती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं आपका, ये जो आप देख रहे हो यहां से, थोड़ा सा इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, कंफ्यूज ना होना, यहां समझिएगा, एक सेकंड मित्रों। चलिए, तो क्या देखा हमने यहां पास, ये जो आप इस प्रकार से 4 एरो देखते हो, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो आप 4 एरो देखते हो, इनको हम कहते हैं क्या, आपका नेविगेशन की। क्या बोलते हैं, नेविगेशन, नेविगेशन की। अब क्या है, इनका आप हिंदी पकड़ने जाओगे ना, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली वो नेविगेशन ही पूछता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। ये नेविगेशन की क्या होता है दोस्तों, जो नेविगेशन की है, ये क्या होता है कि जब भी हमको कंप्यूटर में, जो आपने स्क्रीन में कर्सर को मूव करना हो, लेफ्ट राइट दायां बायां, तो हम किससे करते हैं, नेविगेशन की से करते हैं। तो ये जो आप देखते हो, तो नेविगेशन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेविगेशन की कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद में देखो, हमने फंक्शन की देख ली, न्यूमेरिक की देख ली। फंक्शन की क्या होती है, ये आपकी है ना, फंक्शन की, ये फंक्शन की हो गया। तो न्यूमेरिक की देख लिए, फंक्शन की देख लिए, न्यूमेरिक की पैड देख लिए, नेविगेशन की देख लिए, ठीक है। नेविगेशन किस लिए करते हैं, कर्सर के मूवमेंट को ऊपर नीचे दायां बायां ले आने के लिए। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, ये आपका क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहां से यहां तक जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, अल्फाबेटिक। ये क्या है आपका, अल्फाबेटिक, अल्फा, अल्फाबेट, अल्फाबेट की होती है। ये कितनी होती है, ए से लेके कहां तक होती है, जेड तक, अर्थात कुल कितनी होती है, 26। अल्फाबेट की कितनी होती है, ए से लेके जेड तक 26 होती है।
यहां तक आपका कवर हो गया। और ये जो आपका नेविगेशन की है ना, इसको हम और क्या कहते हैं, इस नेविगेशन की का और नाम होता है, एक होता है कर्सर, CURSOR, कर्सर की। नेविगेशन की को और किस नाम से जानते हैं, कर्सर की के नाम से जानते हैं। आया समझ में? चलिए, तो क्या क्या देख लिया हमने, न्यूमेरिक की देख लिया, उसके बाद में फंक्शन की देख लिया, फंक्शन की के बाद में हमने क्या देख लिया आपका, न्यूमेरिक कीपैड देख लिया, नेविगेशन या कर्सर की देख लिया, है ना। और क्या बचता है बताइए, इसके बाद में हमने और क्या देखा आपका, अल्फाबेटिक की देख लिया। अब इसके बाद में आता है एक की सबसे इंपॉर्टेंट, जिस जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, लिखिएगा मॉडिफायर, मॉडिफायर की, या इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की कौन कौन सा होता है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा आपका, एक आपने देखा है शिफ्ट, दूसरा होता है कंट्रोल, और तीसरा क्या होता है ऑल्ट। क्या, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, क्या क्या होता है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं मॉडिफायर की। क्या, मॉडिफायर, मॉडिफायर कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की। यहां तक समझ में आ रहा है, क्या हो गया आपका, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की। क्यों कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन की, कि ये जो आपकी तीन की है, शिफ्ट की, कंट्रोल और ऑल्ट, इनका उपयोग आप सिंगल इनको दबा के यूज नहीं कर सकते, इनका उपयोग हम किसी और की के साथ ही कर सकते हैं, अकेले इनको दबाने से कुछ भी नहीं होता, कंट्रोल को आप दबा दोगे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई एक्शन नहीं होने वाला, तो इनको जब भी यूज करते हैं किसी ना किसी की के साथ ही यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की कहते हैं या मॉडिफायर की कहते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, समझिएगा ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हमने एक नंबर पर देखा न्यूमेरिक, दूसरे नंबर पर हमने देखा फंक्शन, तीसरे नंबर पर हमने देखा आपका न्यूमेरिक कीपैड, चौथे नंबर पर देखा कर्सर या आपका क्या, चौथे नंबर पर देखा कर्सर या नेविगेशन की, उसके बाद में पांचवें नंबर पर हमने देखा आपका अल्फाबेटिक की, और छठवें नंबर पर देख लिया हमने क्या आपका मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की। यहां तक समझे? अब देखिए यहां पास में और क्या बचता है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, फिर समझते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आइए देखो, अल्फाबेटिक की हमने देख लिया क्या होता है, अल्फाबेटिक की हमने देखा ये क्या होता है, ये कितनी होती है, 26 होती है, कहां से कहां तक, ए से लेके जेड तक होता है। न्यूमेरिक की हमने क्या देख लिया, ये होती है 0 से लेके 9 तक, कितनी होती है, कुल 10 होती है। इसके बाद में हमने फंक्शन की देखा, कितनी होती है फंक्शन की, F1 से लेके कहां तक होती है, F12 तक होती है, कितनी होती है, कुल 12 होती है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में हमने नेविगेशन की के बारे में देखा, तो नेविगेशन की में क्या देखा हमने, देखो नेविगेशन की में इस प्रकार से जो एरो आपने देखा होगा ये इस तरह से, तो नेविगेशन की को हम और किस नाम से जानते हैं, कर्सर की कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेविगेशन की में आपको और भी की मिल जाएगी, पहले तो क्या हो गया एरो की, तो एरो की कितनी होती है ये देखिए, एरो की 4 होती है। अब आपने देखा होगा एक होता है होम की, होम की से क्या होता है कि जो भी आपने टेस्ट लिखा है, जो भी आपने टेस्ट लिखा है, जो भी आपने टेस्ट लिखा है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग में जाना, जो भी आपका, आप सपोज आपने कुछ एक पेज टाइप किया हुआ है, आप उसके बीच में है या लास्ट में है, आपको बिल्कुल बिगिनिंग में जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या करोगे, टेस्ट के स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या करोगे आप, होम की दबाओगे। एंड से समझ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है एंड से, कि हम यदि सपोज अपने किसी पेज में, पैराग्राफ में, ऊपर की लाइन में या बीच में है, बिल्कुल आपको सबसे लास्ट में जाना है, तो आप किससे जाओगे, एंड से जाओगे। पेज अप में क्या होता है कि आप एक पेज, पेज अप में क्या होता है कि आप एक पेज ऊपर बढ़ जाते हो, और पेज डाउन में क्या होता है कि आप एक पेज नीचे डाउन हो जाते हो। समझिएगा ध्यान से ना, पेज की बात कर रहा है, पेज अप मतलब एक पेज को ऊपर, पेज डाउन में क्या होगा कि आप एक पेज डाउन में चले जाओगे। होम में क्या होगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, 2 पेज है, 4 पेज है, आप बिल्कुल बिगनिंग पहुंच जाओगे। और एंड में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, 1 पेज का है, 2 पेज का है, सीधे आप उसके एंड में जाओगे। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, नेविगेशन की हो गए। इसमें से एक हमने देखा एरो की, एरो की क्या होता है आपकी, कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, जैसे ये
इसको हम क्या कहते हैं, एरो की को हम कर्सर की भी कहते हैं, एरो की को, नेविगेशन की को, एरो की को हम क्या कहते हैं, कर्सर की भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने डिटेल में देखा। इसके बाद में मैंने आपको फंक्शन की बताया था, क्या आपका फंक्शन, फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है आपका F1, F1 किस लिए होता है आपका, हेल्थ, हेल्थ। यदि आपसे पूछ ले कि F2 किस लिए होता है तो आप बताएंगे रीनेम, किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको रीनेम देना है, दोबारा से कुछ नया नाम देना है तो क्या हो जाएगा आपका, रीनेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रीनेम। ठीक है, इसके बाद में आइए F3 में क्या हो जाएगा, F3 में होता है क्या, सर्च, सर्च। F4 में क्या होगा, F4 में हो जाएगा आपका रीडू, रीडू मतलब जो आपने लास्ट एक्शन किया था उसको रिपीट करना, लास्ट एक्शन को रिपीट करना, लास्ट एक्शन को क्या करना, रिपीट, रीडू करना, लास्ट एक्शन को रिपीट करना। इसके बाद में आइए F5, F5 आपको सबको पता होगा किस लिए यूज करते हैं, रिफ्रेश के लिए। F5 किस लिए करते हैं, रिफ्रेश के लिए। सपोज कंप्यूटर हमारा हैंग हो रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो रही है, तो आप F5 दबाओगे, 2-3 बार दबाते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। चलिए F5 हो गया। इसके बाद में आपने सबसे बहुत महत्वपूर्ण देखा होगा, एक देखा होगा F7। F7 किस लिए, कि कंप्यूटर में जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसकी स्पेलिंग चेक करने के लिए, किसके लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या दबाते हो आप, F7। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका F12। ये क्या होता है, ये आपको ऑप्शन देता है सेव एस का, सेव एस का। अब एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, और नोट में आप क्या लिखेंगे, F12 क्या होता है, सेव एस। देखिए हमारे पास में ना दो ऑप्शन आते हैं किसी फाइल को सेव करने की, एक आता है सिंपल लिखा के सेव, और एक लिखा के आता है सेव एस। जब आप सेव पे क्लिक करोगे, केवल SAVE, जब आप केवल SAVE पे क्लिक करोगे तब क्या होता है कि जिस फाइल की जो लोकेशन है वो वही सेव होगी। सपोज आपने कोई फाइल खोली और उसकी जो पहले से लोकेशन है, जिस फोल्डर में है वो, जिस लोकेशन पे है, सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, जिस भी लोकेशन पे वो आपके कंप्यूटर में है, और जो कुछ भी आप फाइल में कुछ चेंजेस करोगे और सेव करोगे तो उसी लोकेशन में क्या वो सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप F12 दबाओगे, या कहने का मतलब सेव एज, जब आप सेव एज दबाओगे तब क्या होगा कि आपको वो नई लोकेशन के लिए, नई लोकेशन के लिए क्या देगा, आपको ऑप्शन देगा कि आपको अपने फाइल को किसी नई लोकेशन में या नए नाम से सेव करना है, तो आप F12 अर्थात सेव एज के माध्यम से कर सकते हो। तो सेव में और सेव एज में ये अंतर होता है। ये आपको सेव एज क्या देता है, एक नया लोकेशन, एक नए नाम का ऑप्शन देता है, एक नए फॉर्मेट का ऑप्शन देता है। और सेव एज में क्या होता है, जो फाइल जहां पहले से सेव थी, जिस लोकेशन में सेव थी, वहीं पास सेव होगी, उसके लिए कोई भी आपको नया ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई हमारी, सारी की सारी फंक्शन की हो गई। इसको नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमारा एक की और बचा हुआ है आपका। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी अब एक टाइप और बचा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तो मैंने आपको बताया मॉडिफायर। देखिए मॉडिफायर की क्या होती है बताइए मेरे को, मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है। देखिए ये कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, शिफ्ट, दूसरा क्या होता है कंट्रोल, और तीसरा क्या होता है ऑल्ट। ये क्या हो गया आपका, मॉडिफायर की हो गया। इसके बाद में एक आता है टॉगल की, क्या आता है आपके यहां से, टॉगल, क्या बोलते हैं टॉगल की। टॉगल की का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एक आपके पास में 3 टाइप की होती है, ये कितनी होती है, ये भी 3 होती है। एक आपने देखा होगा पहला नम लॉक, नम लॉक, दूसरा आपने देखा होगा क्या, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल, क्या हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, और एक क्या होता है आपका तीसरे नंबर पे होता है आपका कैप लॉक, तीसरा होता है कैप्स लॉक, क्या होता है ये, कैप्स लॉक होता है। तो दोस्तों ध्यान से नोट करिएगा, आपसे एग्जाम में टॉगल की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 होती है। कौन कौन सी होती है, नम लॉक होती है, कैप लॉक होती है, और स्क्रॉल लॉक होती है। इस टॉगल की का मतलब क्या होता है कि वह कुंजियां, वो कंप्यूटर कीबोर्ड की वह की जो हमको ऑन ऑफ, क्या ऑन ऑफ,
विशेषता वाली। कैसी? ऑन ऑफ विशेषता वाली, जो हमको ऑन ऑफ विशेषता बतलाती है। आपके कंप्यूटर में जो टॉगल की होती है उसमें क्या होती है? ऑन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। कैसी ऑन ऑफ प्रॉपर्टी होती है? यदि आपने जैसे नम लॉक दबा दिया, यदि आपने नम लॉक दबा दिया तो जब आप नंबर की दबाओगे ना तो सिर्फ नंबर दबेगा और कुछ नहीं दबेगा। जैसे ही आपने देखा होगा इस कैप्स लॉक, आपने उसको अधिकतर यूज किया होगा। यदि आपका कैप लॉक ऑफ है, यदि आपका कैप लॉक ऑफ पोजिशन पे है तो कैसा होगा? स्मॉल लेटर लिखाएंगे। आपने देखा होगा ना जो ABCD लिखाते हैं वो कैसे लिखाते हैं? स्मॉल लिखाते हैं। यदि आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, यदि आपने कैप्स लॉक क्या कर दिया? ऑन कर दिया, तो कैसा लिखाएगा ये? आपका कैपिटल जो आप लिखोगे वो कैसा लिखाएगा? कैपिटल लेटर्स लिखाएगा। जैसे आप कैप लॉक ऑन करते होगे तो कंप्यूटर कीबोर्ड के साइड में देखते होगे एक हरे रंग की बटन जल जाती है, तो क्या? कैप्स लॉक ऑन हो जाता है। तो हमने यहां पर क्या देखा? ऑन ऑफ मतलब टॉगल की क्या होता है, उसके अंदर ऑन ऑफ की क्या होती है? विशेषता होती है, ऑन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए दोस्तों मॉडिफायर की भी देख लिया। ये की को हम मॉडिफायर की को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप कहोगे सर इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की। क्या? कॉम्बिनेशन की मतलब क्या कि ये जो तीन की है आपका शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये किसी ना किसी की के साथ में ही प्रयोग की जा सकती है, अलग से सिंगल ये है ना प्रयोग नहीं की जा सकती। चलिए भाई एक एक की के बारे में समझ रहे हैं। तो हमने मॉडिफायर की भी समझ लिया और आपका टॉगल की भी समझ लिया। बिल्कुल भी दोस्तों यहां पास कंफ्यूज मत होना। टॉगल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, मॉडिफायर और टॉगल में कंफ्यूजन पैदा होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना कि जिसमें भी लॉक आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका टॉगल की हो जाएगा, ठीक है। और आपके किसी भी मॉडिफायर की में लॉक नहीं आता है। तो इसको विशेष रूप से ट्रिक समझ लो, जो भी समझ लो, ध्यान में रखना टॉगल की में लॉक शब्द का यूज होता है और मॉडिफायर की में लॉक शब्द का यूज नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए तो ये क्या हो गया? हमारा टॉगल की हो गया और मॉडिफायर की हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। और लास्ट हमारी कंप्यूटर की क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने भी इसके पहले आप लोगों को बताया है कि जैसा कि संडे के दिन हमारी जितनी भी क्लासेस होती है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, या आपके बाल मनोविज्ञान की हो, है ना, सारी की सारी क्लासेस क्या रहेंगी? आपकी वीकली एक दिन संडे के दिन ऑफ रहेंगी। और इस बीच क्या होता है, कभी कभार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बीच में लाइट गोल हो जाती है ना, जैसा कि लास्ट क्लास में हुआ था, इसी कारण से आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई थी। फिर क्या होता है, कई बार कुछ और अदर प्रॉब्लम आती है, सपोज हमको कहीं बाहर जाना पड़ गया इमरजेंसी काम के लिए। तो ऐसा है कि यदि ऐसे कुछ विशेष कंडीशन आती है तो आपकी क्लासेस में कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज डेली रूटीन पे डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लास आती रहेंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी हमने क्या देख लिया है, कुल 9 प्रकार की को समझ लिया। अब आते हैं और भी क्या की बस्ती है उनको देखते हैं। देखिए अब आइएगा, अब हमारे पास में कीबोर्ड में देखिए और क्या बचा है, ये आपका देखिए हमने सब कुछ तो यहां पर समझ लिया। अब बस्ता क्या है, तो जो लास्ट बस्ता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल की। इसमें क्या आता है देखिएगा, स्पेशल की में क्या आता है? सबसे पहला आता है ESC, आपने देखा होगा ESC, ये सबसे टॉप लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा ESC। ये ESC क्या करता है कि जो भी आप एप्लीकेशन पे, सपोज आप किसी भी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके लास्ट एक्शन को, जो भी उसमें आपने लास्ट एक्शन किया है उसको क्या करता है, ये स्टॉप करता है। लास्ट एक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। कंप्यूटर पे आप एप्लीकेशन पे कुछ भी काम कर रहे हो, यदि आप इस बटन को दबा दिया तो ये उस काम से बाहर आ जाता है, उस काम को रोक देता है। तो ये क्या, स्पेशल की के अंतर्गत हमने देखा, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, स्केप। क्या बोलते हैं? स्केप मतलब भाग जाओ, छोड़ के भागो उस काम को, क्या हो गया, स्केप हो गया। अब आइए फिर आप इसके बाद में क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है क्या आपका, यहां देखिएगा दूसरे नंबर पे आता है टैब। ये आपको यहां पास दिख रहा है टैब की, ये हो गया क्या, टैब। ये क्या करता है कि आपको कर्सर को, ये जो आपका कर्सर होता है ना, कर्सर जब आप टाइपिंग करते हो तो देखते हो ना ऐसे करके ब्लिंक करते रहता है, बार बार ब्लिंक करते रहता है, ये क्या होता है, कर्सर। तो कर्सर को क्या करवाता है, ये जंप करवाता है, कर्सर को जंप करवाता है, जंप। तो कर्सर को जंप करवाने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं टैप की। लिखिए, कर्सर को जंप करवाने के लिए, माउस कर्सर को जंप करवाने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैप की कहते हैं। और यदि आप कुछ टाइप कर रहे हो
और यदि आपने टाइप करते करते टैब की दबाया तो बाय डिफॉल्ट जब आप टैब की दबाते हो तो बाय डिफॉल्ट का मतलब पता क्या होता है, स्वतः है। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्वतः है। बाय डिफॉल्ट यदि आपने कर्सर टैब की को दबा दिया, टैब की क्यों दबाते हैं, कर्सर को मूवमेंट के लिए, यदि आपने टैब की दबा दी तो बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस हो जाएगा आपका 0.5 इंच क्या हो जाएगा आपका स्पेस बन जाता है, जंप कर जाता है कर्सर। यदि आपका कर्सर यहां है, यदि आपने टैब की दबाया तो उसके बीच में 0.5 इंच का क्या हो जाता है, गैप आ जाता है ना। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। 5 इंच का क्या आता है, स्पेस बन जाता है। तो दोस्तों या तो आप, यदि आपको किसी दो वर्ड के बीच में स्पेस देना है तो 5 बार क्या दबाओगे आप, 5 बार आप स्पेस बार दबा लो, स्पेस बार को, स्पेस की को यदि आप 5 बार दबा लो, और या तो क्या कर दो आप एक बार टैप की दबा दो, दोनों का काम एक ही होता है। यदि आपको दो शब्दों के बीच में, यदि आपने दो शब्दों के बीच में कुछ स्पेस देना है तो क्या करोगे, यदि आपको 0.5 इंच का स्पेस देना है तो 5 बार आप क्या करोगे, स्पेस बार को, या आप देख रहे हो स्पेस बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेस की बोलते हैं। और एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे लंबी की, कीबोर्ड में सबसे लंबी की क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, स्पेस की। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्या हो गया आपका, टैब की हो गया। अब इसके बाद में और क्या बचता है, एक होता है आपका विंडो, ये देखिए इस प्रकार से विंडो की बोलते हैं, क्या होता है ये, विंडो की। साथ में नोट्स बनाते चलिए विंडो की। विंडो की आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें क्या रहता है, विंडो का ऐसा साइन बने होता है। ये विंडो की का क्या प्रयोग होता है, तो लिखिए, नोट करिए कि जब आप विंडो की दबाते हो तो आपको मेन्यू को क्या करता है, मेन्यू आपका स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है या क्लोज करता है। यदि एक बार दबाओगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू क्या करता है, जो आपकी विंडोज की है, मैं इसको यहां पास थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर रहा हूं, ये जो आपका विंडो की होती है ये क्या करती है, आपको स्टार्ट मेन्यू को क्या करती है, स्टार्ट मेन्यू देती है। एक बार दबाओगे तो स्टार्ट मेन्यू मिल जाएगा, दूसरी बार दबाओगे तो स्टार्ट मेन्यू आपका हट जाता है। तो ये क्या देख लिया हमने, विंडो देख लिया। अब बताइए और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या, बच रहा है, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है। अब बची है 3 इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला आता है आपका क्या, बैक स्पेस। दूसरा क्या आता है, डिलीट। और तीसरा क्या बचा, इंटर। तो दोस्तों समझिएगा, अब बैक स्पेस और डिलीट क्या होता है, जब भी आप कुछ वर्ड में या पीपीटी में कुछ भी काम कर रहे हो, कोई फाइल में काम कर रहे हो, कुछ टाइपिंग का काम कर रहे हो, टेस्ट का काम कर रहे हो, तो उसमें बैक स्पेस क्या करता है, यदि आपसे पूछ ले कि जो आप टाइप कर रहे हो, आपको आपके टाइप का, जो आपने कुछ टाइप किया है, तो एक कैरेक्टर आपको लेफ्ट का हटाना है, एक कैरेक्टर लेफ्ट का आपको रिमूव करना है, तो क्या दबाओगे आप, बैक स्पेस दबाओगे कि डिलीट दबाओगे। या आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो आप टाइपिंग कर रहे हो तो कर्सर, देखो ये हो गया आपका क्या, कर्सर समझते हो ना, जो आप टाइपिंग करते हो तो बार बार ब्लिंक करते रहता है कर्सर। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कर्सर के यदि आपको राइट का एक कैरेक्टर अर्थात एक अक्षर, यदि सपोज यहां पास लिखा हुआ है, यहां पास सपोज जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है सौरव, SAURAV, ये मेरा नाम लिखा हुआ है सौरव, यदि आपसे पूछ ले कि आपको कर्सर के राइट साइड सिर्फ केवल एक अक्षर, एक कैरेक्टर को हटाना है, अर्थात सिर्फ एस को, सौरव में से सिर्फ एस को डिलीट करना है, तो आप क्या दबाओगे। और यदि आपसे पूछ ले कि कर्सर के राइट में आपको सिर्फ एक अक्षर को, अक्षर का मतलब क्या होता है, सिंगल लेटर, नॉट अ वर्ड, तो क्या करना है आपको, यदि आपको कर्सर के लेफ्ट साइड में एक को हटाना है, एक अक्षर को हटाना है, तो आप क्या दबाओगे। तो दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूं, फिर से बहुत ध्यान से समझिएगा, बी फॉर होता है देखो, बी बैक स्पेस में क्या है, बी है, और डिलीट में क्या है, डी। तो याद रखना, बी से क्या होगा आपका, बी फॉर क्या हो जाएगा, बायां, और डी फॉर क्या हो जाएगा आपका, दायां। बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। यदि आपसे बोलता है कि कर्सर के दाएं साइड में आपको डिलीट करना है तो क्या हो जाएगा, डी फॉर डिलीट, कर्सर के बाएं साइड में तो क्या, बी फॉर बायां। तो चलिए दोस्तों ये क्या हो गया आपका, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया। इसके बाद में लास्ट हमारा बचता है क्या, इंटर। लास्ट क्या बच रहा है, इंटर।
जब कभी आपको इंटर पूछता है तो किसी भी कमांड को, हम कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी कमांड को ओके या कंप्लीट करना, किसी भी कमांड को ओके ओके करना या कंप्लीट करना, पूर्ण करना, कंप्यूटर की किसी भी कमांड को, या हम कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं। सपोज आपको आपने जनरली देखा होगा कि आप एमएस वर्ड की एक फाइल खोले हैं, आपने उसमें कुछ काम किया, आपको उसको क्लोज करना है। तो जैसे ही आप ऊपर लाल रंग के जो क्लोज बटन दबाते हैं तो आपसे पूछता है, क्लोज करने का आता है ओके यस और नो। जैसे ही आप इंटर दबाओगे खट से क्या हो जाएगा, वो फाइल बंद हो जाएगी। तो जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो किसी भी कमांड को यदि आपको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, तो क्या दबाओगे आप, इंटर दबाओगे। इंटर मतलब फाइनल, कमांड को पूरा करना। तो दोस्तों अपने कीबोर्ड पर पूरी 104 जितनी भी आपकी की होती है, एक एक की को मैंने आपको समझाया है, किस किस नाम से जानते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि कीबोर्ड से अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा, डीप से डीप क्वेश्चन भी आएगा, तो आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ हमारा खत्म होता है कीबोर्ड। आइए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे, देखते हैं और क्या क्या इनपुट डिवाइस है। अब आता है सेकंड नंबर पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस तो आपसे सबसे पहले पूछ सकता है कि कंप्यूटर माउस को किसने बनाया था। तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजल बट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है कई बार हमारे व्यापार में भी पूछ चुका है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, डगलस एंजल बट, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर समझते हैं आपके जो माउस होता है कि माउस की क्वालिटी क्या क्या होती है, माउस के बारे में समझते हैं। देखिए अभी हमने जो कीबोर्ड देखा था वो क्या था, देखिए समझिएगा, यहां पास ये क्या हो गया आपका इनपुट। तो इनपुट डिवाइस में हमने क्या देखा, एक होता है आपका टेक्स्ट इनपुट और एक क्या होता है, बाय पॉइंटिंग इनपुट। तो याद रखिएगा कि आप कंप्यूटर में जब आपसे टेक्स्ट इनपुट पूछेगा तो क्या होगा, कीबोर्ड होगा। और यदि आपसे पूछ लेता है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या होते हैं, एक होता है माउस, दूसरा क्या होता है बताओ आप मेरे को, ट्रैक बॉल, फिर एक होता है जॉयस्टिक, और क्या होता है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। पॉइंटिंग डिवाइस में एक और होता है टच पैड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं। कैसे, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो देखिए इनपुट दो टाइप के हो गए, एक हो गया टेक्स्ट इनपुट करवाना होगा तो क्या यूज करोगे, कीबोर्ड का यूज करोगे, और पॉइंटिंग में क्या करोगे, माउस का, ट्रैक बॉल का, जॉयस्टिक का और टच पैड का। इसको नोट करिए, तो जो हमारा माउस है वो कैसा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। समझते हैं पॉइंटिंग क्या होता है, ठीक है, उसको भी समझते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, इसको भी मैं हटा रहा हूं। अब देखिए तो हमने क्या देखा, जो हमारा जो आपका माउस है ये कैसा है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब देखिए आपको ये जो माउस दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ पास आपकी सहूलियत के लिए और बनाता हूँ। तो आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ पास इसके बीच में एक गोला होता है और ये इस तरीके से ये बना रहता है। तो देखिए जो आपका माउस होता है ना, उस माउस के तीन भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है आपका, यहाँ पास दिखाई देगा तो वो होता है एक लेफ्ट साइड में, एक होता है आपका राइट साइड, है ना, राइट बटन होती है, क्या होती है, एक होती है लेफ्ट बटन, एक होती है राइट बटन, और जो बीच में आपको एक व्हील दिखाई देता है, एक व्हील चक्के समान दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, तीन टाइप की हमारे पास इसमें क्या होती है, बटन होती है। अच्छा अब आपसे पूछता है कि कंप्यूटर में जो माउस होता है वो किस तरीके से अपना कार्य करता है, कंप्यूटर माउस का जो कार्य होता है वो किस तरीके से संपादित करता है। तो कंप्यूटर का काम जो होता है, तो दोस्तों पकड़ लीजिएगा कैसे, क्लिकिंग। कंप्यूटर का हम कैसे करते हैं, क्लिकिंग। कंप्यूटर अपना काम किस तरह से, जो आपका माउस है वो किस तरीके से काम करता है, क्लिकिंग डिवाइस है कंप्यूटर माउस। कैसा है, पॉइंटिंग डिवाइस में भी कैसा डिवाइस है, क्लिकिंग। देखा ना, बोलते ना क्लिक करो, वहां क्लिक करो, यहां क्लिक करो, तो ये क्या है आपका, किस तरीके से काम करता है, क्लिकिंग। अच्छा अब समझिएगा कि कितने प्रकार के इसमें क्लिक होते हैं।
तो उसके पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर के जो आपका माउस है ना, जो आपका माउस है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर माउस है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है आपका क्या, मैकेनिकल माउस। दूसरा आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल। और तीसरे नंबर का होता है, इसको हम बोलते हैं वायरलेस, है ना। अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं, बात कर ले 2008-10 के बाद वाले, 5-6 के बाद वाले, तो जनरली उन लोगों ने ये मैकेनिकल माउस नहीं देखा होगा। लेकिन जो लोग 25-27-28 साल की उम्र के हैं, उन लोगों ने ये माउस जरूर देखा होगा। उसमें क्या रहता था, वो माउस थोड़ा भारी टाइप का रहता था और नीचे उसमें एक बॉल, उसमें क्या रहती थी, एक बॉल रहती थी। तो वो बॉल जब घूमती थी ना, तो उसी के बॉल के मूवमेंट से क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में इस प्रकार से आपने देखा होगा एक तीर का निशान रहता है, तीर का निशान रहता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपका माउस कर्सर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे एरो के रूप में। जो आपका माउस कर्सर होता है, जो माउस कर्सर होता है वो कैसा होता है, एरो के रूप में रिप्रेजेंट होता है, एरो के रूप में, ठीक है। तो तीन टाइप के माउस होते हैं मैकेनिकल, इसमें क्या यूज करते थे हम, एक बॉल का, इसमें हम एक बॉल का यूज करते थे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका ऑप्टिकल, तो इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इसमें हम टेक्निक यूज करते हैं लेजर टेक्निक, क्या आपकी, लेजर टेक्निक। और ये जो आपका वायरलेस है, ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल माउस है, लेकिन इसमें वायरलेस टेक्निक का यूज करते हैं। अर्थात इसमें दो डिवाइस होते हैं, एक आपका होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर और एक क्या होता है, रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। तो वायरलेस में क्या होता है, कंप्यूटर से किसी प्रकार का वायर कनेक्शन नहीं होता है, ट्रांसमीटर जो होता है वो कंप्यूटर में लगता है और रिसीवर जो होता है वो आपके माउस में रहता है। तो कंप्यूटर माउस के तीन प्रकार के हो गए। इसके बाद में कंप्यूटर का जो माउस है उसका कार्य किस प्रकार से होता है, तो आप बताएंगे क्लिकिंग प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पास कितनी बटन होती है, तीन बटन होती है, एक लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है और इसके बाद में एक क्या होता है आपका व्हील नुमा एक बटन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल, क्या कहते हैं, स्क्रॉल। इसको नोट करिए फिर आगे बतलाता हूं। चलिए देखिए, अब आपका जो लेफ्ट बटन है ना, तो लेफ्ट बटन में आप दो काम कर सकते हैं, एक होता है सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, और एक होता है डबल क्लिक, डबल क्लिक। सिंगल क्लिक में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना हो, कैसा, सेलेक्ट करना हो, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को। आपने देखा होगा ना, जब आप कंप्यूटर यूज करते होगे, तो जैसे ही आप किसी भी फाइल पर, किसी भी फाइल पर या फोल्डर पे यदि आप लेफ्ट लेफ्ट बटन का यदि सिंगल टाइम दबाते हो, तो वो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। और यदि आप उसको डबल दबा दोगे, डबल क्लिक दबा दोगे, तो क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने डबल क्लिक किया वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है, क्या, ओपन। सिंगल क्लिक से क्या करता है, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो, और डबल क्लिक दबाने से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को जिस पे आपने डबल क्लिक किया है वो क्या हो जाता है, वो फाइल या वो फोल्डर ओपन हो जाता है। ये किसे करते हैं, लेफ्ट बटन से करते हैं। इसके बाद में जो आपकी राइट बटन होती है दोस्तों, समझिएगा, ये जो आपकी राइट बटन होती है, कौन सी, ये वाली, ये जो आपकी राइट बटन है, राइट बटन से क्या करते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट अर्थात क्या, फाइल या फोल्डर पे आपने राइट बटन दबाओगे तो क्या खोल देता है, उससे संबंधित जिस भी फाइल या फोल्डर पे आप यदि कंप्यूटर माउस की राइट बटन दबाओगे, तो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट से संबंधित क्या कर देता है, आपका मेन्यू को खोल देता है, मेन्यू को खोल देता है, और क्या खोल देता है, प्रॉपर्टी को, मेन्यू और प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषताएं। जैसे सपोज आप किसी फाइल पे या फोल्डर पे गए, आपने क्या कर दिया, वहां पास राइट क्लिक दबाया एक, और राइट क्लिक आपको सिंगल टाइम क्लिक करने का ऑप्शन देता है, जैसा कि लेफ्ट बटन में आपको दो बार क्लिक के ऑप्शन मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है सिंगल क्लिक और एक आपको मिल रहा है डबल क्लिक। लेकिन जो आपका राइट बटन है ना, राइट बटन में आपको केवल सिंगल क्लिक का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, आप किसी भी फाइल पे या फोल्डर पे जब राइट क्लिक करोगे ना, तो आपका क्या देगा, वो आपको मेन्यू या प्रॉपर्टी देता है। प्रॉपर्टी में क्या आपको देखने मिलता है ना कि फाइल की लोकेशन कहाँ है, फाइल की साइज कितना है, कितने एमबी की आपकी फाइल है या फोल्डर है, तो क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट का आपको मेन्यू या प्रॉपर्टी को देता है।
तो इतना नोट करिएगा, ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर माउस हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर माउस से बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इसमें एक आपका तीसरा बटन क्या बचा, आपका स्क्रॉल, क्या हो गया आपका ये स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, ये क्या होती है जो आपकी स्क्रॉल बटन होती है, ये क्या होती है नेविगेशन, नेविगेशन बटन होती है। कैसी होती है नेविगेशन, और नेविगेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना। तो विशेषकर ये जो आपका माउस है ना, जो माउस में जो आपकी जो आपने चक्का देखा होगा गोल से चक्का घुमाते हो उसको, तो हम क्या बोलते हैं स्क्रॉल कहते हैं। वो बोलते हैं ना स्क्रॉलिंग करना, मतलब क्या ऊपर जाना या नीचे जाना। ये दाएं बाएं का आपको ऑप्शन नहीं देता, केवल ऊपर और नीचे का ऑप्शन देता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग क्या नेविगेशन का ऑप्शन देता है, अर्थात फाइल में ऊपर या नीचे जाने का आपको ऑप्शन देता है इजीली। ये हो गया। इसके बाद में एक और बचता है आपके माउस में आता है, उसको हम क्या कहते हैं ड्रैगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे एग्जाम में ड्रैग करना, DRAGGING, ड्रैगिंग। देखिए ड्रैगिंग में क्या करता है, लिखिएगा ना, नोट करिएगा। ड्रैगिंग में क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, ड्रैगिंग में क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। आप लोगों ने यूज भी किया होगा अपने कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे जैसे सपोज ये कंप्यूटर है, आपका ये मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, यहाँ एक फाइल है और यहाँ एक फाइल है। तो क्या करोगे आप कंप्यूटर में पहले यहाँ क्लिक करोगे और खींच के उसको माउस से आप इधर शिफ्ट कर देते हो। तो क्या करते हो किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ड्रैगिंग कहलाती है। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर माउस हो गया। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस खत्म हुआ, तो बेसिक पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं आपके बाद में क्या, देखिए और क्या क्या बचता है। देखिए ये क्या है आपका, ये आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं जॉयस्टिक। ये क्या है आपका जॉयस्टिक। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है जॉयस्टिक, किस लिए यूज करते हैं, गेमिंग पर्पज से। किस लिए, गेमिंग पर्पज से, गेमिंग, गेमिंग पर्पज से जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में डिजिटल कैमरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका डिजिटल, ये क्या है आपका डिजिटल कैमरा। यदि आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, यदि किसी डिवाइस को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन, यदि वो डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन का ये अंतर हुआ। तो डिजिटल कैमरा को आप जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में कनेक्ट करके ही प्रयोग करें, कहीं भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और क्या कह लेते हैं डिजिटल कैमरा से, हम यहां से किसी भी प्रकार की इमेज, किसी भी प्रकार की क्या इमेज, क्या चित्र, इमेज या चित्र, और क्या ले सकते हैं वीडियो। तो डिजिटल कैमरा से क्या चित्र और वीडियो को हम इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका लाइट पेन। ये क्या है आपका लाइट पेन। लाइट पेन से क्या करते हैं, जनरली देखो जो मैं ये बोर्ड में यूज कर रहा हूं इसको बोलते हैं स्टाइलस। इसको क्या कहते हैं, ये है स्टाइलस। और लाइट पेन अलग है, लाइट पेन कहाँ यूज होता है, जहां आपको ग्राफिक्स का काम करना पड़ता है। जनरली आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ग्राफिक्स के काम करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मैं यूज कर रहा हूँ आपके, सपोज आपने टेबलेट में जो आपने पेन यूज करते हो ना, तो वो लाइट पेन नहीं, वो क्या है स्टाइलस है, उसको कहते हैं स्टाइलस। तो स्टाइलस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए और आओ, स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि स्कैनर क्या होता है, ऐसा इनपुट डिवाइस जो क्या करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। हार्ड कॉपी को कैसा सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, तो आप कहेंगे स्कैनर। स्कैनर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड, दूसरा होता है सीट फेड, और तीसरा टाइप का क्या होता है आपका ड्रम। तो बेसिकली जो आपका स्कैनर है वो तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है फ्लैट बेड, दूसरा होता है सीट फेड, और तीसरा होता है ड्रम टाइप का। इसके अलावा और भी होते हैं, तो उनको आप पोर्टेबल बोल सकते हो, पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल प्रिंटर होता है। इसके बाद में एक होता है फोटो प्रिंटर भी बोलते हैं उसको आप, स्कैनर। तो जो आपका स्कैनर है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड, दूसरा होता है सीट फेड, और तीसरा होता है ड्रम टाइप के। और ये करता क्या है, ये आपका हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर स्कैनर हो गया, नोट करिए।
स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आओ, इसके बाद में देखिए क्या बचता है, MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। यदि आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है और आपको ऑप्शन में रिकॉग्निशन दिया हुआ है और रीडर भी दिया हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी किसको लेना है, रिकॉग्नाइजेशन को लेना है। यदि वहां पास आपको इसके फुल फॉर्म में रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया हुआ, तब आपको रीडर लेना है, अदरवाइज आपको क्या लेना है, रिकॉग्निशन लेना है। और ये होता क्या है, कंप्यूटर में बैंक, हमारे बैंक में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, MICR का। जो आप कंप्यूटर बैंक में चेक देखते हो, उसमें चेक में नीचे यहाँ पास इस प्रकार से काले रंग के मोटे मोटे अक्षर लिखे होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक टाइप के होते हैं। इसमें कैसी होती है, एक मैग्नेटिक इंक होती है, मैग्नेटिक इंक। तो आप जब इस मशीन में इसको हम यूज करते हैं, तो क्या करता है, ये आपके चेक को वेरीफाई करता है। क्या करता है, ये आपके चेक को वेरीफाई करता है, मतलब उसकी चेक की वैधता को नाप देखता है, जो आपका चेक है वो वैध है कि नहीं है। तो वैधता को, इसको चेक की वैधता को नापने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए जी, फिर इसके बाद में आता है, देखिएगा, एक आपने देखा होगा OMR, OMR, फिर आपने देखा होगा OCR। ठीक है, OCR, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोग एग्जाम में देते हैं, तो आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना OMR शीट को भरो, OMR शीट को भरो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर दूसरा आपने देखा होगा OCR, इसका क्या होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। ये क्या करता है कि जो भी आपने हैंड रिटन, OCR क्या करता है, जो भी आपने हैंड रिटन, हैंड रिटन कुछ भी आपने टेस्ट लिखा हुआ है, जो भी आपने हैंड रिटन टेस्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ये OCR क्या करता है, उसको एडिट करने योग्य, एडिट, एडिट करने योग्य क्या करता है, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो भी आपने कुछ भी, सपोज आपने कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आप स्कैन करोगे, तो OCR से आप उसको स्कैन कर लोगे, और फिर क्या करेगा कि जो भी आपने लिखा है उसको आपको वो एक एडिटेबल फॉर्म में दे देगा, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने नोट्स को, इसके माध्यम से, OCR के माध्यम से। इसके बाद में एक और आता है, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो ये जब आप कभी भी मॉल वगैरह में गए होंगे, तो बार कोड रीडर को आपने देखा होगा, बार कोड रीडर में आप लोगों ने देखा होगा कैसे क्या करते हैं, इस प्रकार से हर उत्पाद में, हर एक प्रोडक्ट में इस टाइप का रहता है, उसमें लंबी 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 इस टाइप से क्या रहती है, लाइन रहती है। वो क्या रहता है, उस उत्पाद का, कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, तो हर उत्पाद का क्या रहता है, अपना एक बारकोड रीडर होता है। जैसे ही उसको बारकोड रीडर से रीड करते हैं, तो क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसका नाम और उसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो वो क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। इसके बाद में सबसे लास्ट आता है आपका QR कोड। कभी भी आपसे पूछ ले कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, क्विक, क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो QR कोड का रीडर, ये आप लोगों ने इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, डेली आप लोग यूज करते होगे, जो भी आप पेटीएम फोन पे यूज करते हो, तो वहां क्या बोलते हैं हम, QR कोड। ये क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट आपको इस प्रकार से ब्लॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किया जाता है, और आपने देखा होगा जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, उन सब में आपको आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक QR कोड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, कि उस QR कोड के माध्यम से URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, या जो भी वेबसाइट को अटैच करना हो, वेबसाइट को अटैच करना हो, तो QR कोड के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जो आपका QR कोड है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपने देखा पेमेंट करने के लिए होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप, और क्या देखा है आपने, URL, और क्या होता है, वेबसाइट को अटैच करने के लिए। तो ये सब हमारी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से मैं आपको बैक लेके जाता हूं। देखिए ये जो आपका BCR, OMR, MICR, OCR, QR कोड रीडर, ठीक है, ये जितने भी डिवाइस होती है ना, इसको हम पता है एक नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, डायरेक्ट, नोट करिएगा, डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं,
डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, क्या बोलते हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इसमें हमको किसी भी प्रकार से डाटा को टेस्ट के रूप में इनपुट नहीं कराना पड़ता, ऑलरेडी जो हमारे पास में इनपुट जो डाटा रहता है, जो डेटा रहता है, उसको हम सीधे स्कैन करते हैं। तो ये BCR, OMR, MICR, OCR, QR कोड रीडर, ये कैसे होते हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद में क्या छूटता है, एक होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो आपने देखा होगा क्या, जो आप माइक यूज करते हो या माइक्रोफोन, माइक या माइक्रोफोन आप यूज करते हो ना, वो भी कैसा है, वो एक इनपुट डिवाइस है। उसमें क्या आप यूज करते हो, आप ऑडियो को इनपुट करवाते हो, वो क्या होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, आपका माइक्रोफोन या आपका माइक। तो चलिए दोस्तों, जितनी भी टाइप के आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, हमने सभी को बहुत डिटेल में पढ़ा, सारी चीजों के बारे में डिटेल से समझा। तो यहां आपका इनपुट डिवाइस समाप्त तो होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बढ़िया लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, किसी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो उसको भी कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।